गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल नेहा व्लॉग। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज मैं आई हूँ रजौरी मार्केट, रजौरी गार्डन, जो कि न्यू दिल्ली में है और इसका ब्लू लाइन पे स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन, तो आप इजिली मेट्रो के थ्रू भी आ सकते हो। एंड मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और क्या क्या लूँगी वो आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इन्जॉय कीजिएगा आज के व्लॉग को और बीच बीच में मौका मिला तो ज़रूर कैमरा पर आती रहूँगी। अदरवाइज जो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी, क्या खरीदती हूँ और सब कुछ। चलो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस आज मैं आपको दिखा के लाती हूँ दिल्ली की सबसे एक्सपेंसिव और फेमस मार्केट। मतलब सबसे एक्सपेंसिव तो नहीं, साउथ एक्स है सबसे एक्सपेंसिव, बट हाँ स्टिल ये भी एक्सपेंसिव मार्केट्स में ही आती है। तो आज हम जा रहे हैं रजौरी गार्डन मार्केट और जहाँ पे मैक्स है वहाँ से आपको एंट्री करनी होती है। और मैंने बताई दिया आपको कि मेट्रो स्टेशन आपके यू नो नियर बाय है तो मेट्रो के थ्रू भी आप आ सकते हो। तो रजौरी में आपको यू नो स्ट्रीट शॉपिंग के भी ऑप्शन मिल जाएंगे लेकिन काफ़ी कम मिलेंगे, बट उससे ज़्यादा आपको जो मिलेंगे वो है महंगे महंगे शोरूम्स, बहुत ही एक्सपेंसिव शोरूम्स। तो मैं आज आई हूँ रजौरी गार्डन मार्केट अपनी वेडिंग शॉपिंग करने के लिए और सबसे पहले जाते ही मैं हेयर बैंड्स वगैरह देखने में लगी थी एंड साथ ही साथ मैं जूस पी रही थी ताकि मुझे पूरी एनर्जी रहे मेरे अंदर। देन इसके बाद मैं गई एक शॉप पर एंड यहाँ पर मैंने देखे काफ़ी सारी ड्रेसेस जिसमें से आई एम स्टिल मतलब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज थी मैं कि क्या लूँ क्या ना लूँ। आजकल जैसे ये लगा हुआ है पीछे पैपलम टॉप का, इस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मुझे कमेंट्स करके बताना मुझे एक सूट ऐसा बनवाना चाहिए पैपलम टॉप में या नहीं बनवाना चाहिए, कैसा लगेगा मुझ पर कमेंट्स करके बताना। तो यहाँ पर मैं आई हूँ, सबसे पहले किसी भी शॉप का नाम मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊँगी गाइज, क्योंकि यू नो मार्केट में जाते जाते मैं बहुत ज़्यादा यू नो बिज़ी हो जाती हूँ शॉपिंग करने में, व्लॉग भी बनाना होता है तो उसके थ्रू मैं ना भूल जाती हूँ। बट स्टिल मैंने आप सबके साथ प्रॉमिस किया है कि बाद में मैं सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँगी, मैंने क्या क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा सारी वीडियोज़ आपके साथ मैं लेके आऊँगी मतलब यूट्यूब पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सूट्स देख रही थी और ये देखिए यहाँ पे मुझे कोई भी सूट्स मतलब ना पसंद नहीं आ रहे थे। यू कैन सी आपको कैसे लग रहे हैं कॉमेंट्स करके बताते रहना। तो ये है जयपुरी प्रिंट में सूट, तो आप मुझे बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इस तरह का मुझे लेना चाहिए या मुझे छोड़ देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो आप सबके भी कॉमेंट्स मायने रखते हैं, तो प्लीज़ अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या कोई भी सजेशन आ रहा है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना। आजकल ये वाला प्रिंट भी बहुत फेमस है। देन उसके बाद वहाँ से शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ क्लचेस लेने, बिकॉज आई वॉन्ट इस तरह के क्लचेस जो कि सूट साड़ी लहंगा के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं हूँ अभी किन्स में एंड यहाँ से आई थिंक मैंने 2-3 क्लचेस मैंने यहाँ से परचेज़ किए थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। बाय द वे यहाँ पर ऑफर चल रहा है तो आपको करीबन यू नो 500-600 में हील्स मिल रही हैं जो कि आई डोंट नो क्या चीज़ होती है, उनका स्टॉक नहीं होता क्या नहीं होता, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपका बजट हो तो। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि नेहा दी ये कहाँ पे आ गई हैं, तो मैं अब आ गई हूँ लाजपत नगर मार्केट। यह सब मैं पहुँच गई हूँ लाजपत नगर मार्केट क्योंकि मैंने रजौरी से जितना लिया मतलब वो एक्सपेंसिव था, तो मुझे लगा कि नहीं उससे बेटर मुझे लाजपत लगा। एक्सपेंसिव है बट जो क्वालिटीज़ है, चीज़ों की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगी एंड आई वॉन्ट कि मुझे एक रेड कलर का सूट चाहिए, है ना, क्योंकि अच्छा लगता है इंडियंस पे बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी बट मुझे स्टिल पसंद नहीं आ रहा था, मैं यहाँ पे स्टिल कंफ्यूज थी क्या लूँ क्या ना लूँ। यहाँ पे पोटली बैग्स वगैरह भी रखे हुए थे और लेते लेते मुझे हो गई थी रात यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि रात के टाइम आई थिंक यहाँ पे 7:30 से 8 बजे का टाइम है। यू कैन सी यहाँ पर आपको इंडो वेस्टर्न सभी तरह की ड्रेसेस मिल जाएंगी। यहाँ पर स्ट्रीट शॉपिंग के लिए आप 100-200 bucks पे यू नो स्टार्ट हो जाता है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक कुर्तीज़ ले सकते हैं, आप ड्रेसेस टॉप वगैरह हर चीज़ ले सकते हैं। खाने के भी बहुत ही अच्छे अच्छे स्पेशल चीज़ें मिलती हैं, मतलब टेस्टी टेस्टी स्पेशल इन दिस एंड टेस्टी टेस्टी। तो अब मैं आ गई हूँ इस शॉप पे जिससे मैंने पहले भी आई थिंक ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा डालूंगी इनका नेम जो इनकी शॉप का नेम है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि यार मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। यू कैन सी मैं यहाँ पर रेड कलर के सूट्स देख रही थी बट स्टिल मैंने वहाँ से रेड कलर का कुछ भी नहीं परचेज़ किया। ये वाला जो अभी मैं रेड जो दुपट्टा है मेरे हाथ में है, मैंने इसका कमेंट करके भी पूछा था आपसे, मतलब कमेंट नहीं, मैंने पिक्चर मेंशन की थी, इंस्टा पे पूछ रही थी कि गाइस बताओ ये कैसा लग रहा है, बताओ ये कैसा लग रहा है। गाइस बाय द वे अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जाके फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट्स देती रहती हूँ कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो यहाँ से फाइनली 2-3 या 4-5-6-7 सूट्स मैंने यहाँ से पिक किए थे, ठीक है, रेड कलर का नहीं लिया बिकॉज मैं वही देख रही
रही थी कि यहाँ पे अगर मैं सर पे दुपट्टा डालती हूँ तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, सो आई डोंट लाइक दिस। तो अब मैं शॉपिंग करके निकल ली हूँ मार्केट से। आई रियली होप कि आज का व्लॉग पसंद आया, छोटू सा व्लॉग है, तो इतना ही मैंने शॉपिंग किया। सो गाइज़ मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में एक मज़ेदार व्लॉग या मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना। लव यू ऑल, बाय।